हाय क्लास नाइन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। आज देखो, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कि सर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें व्हेन वी आर गिविंग एन इक्वेशन एक्स और वाई वेरिएबल में। तो हमको इक्वेशन दी गई है 4x + 3y = 12। बहुत ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन का मतलब समझेंगे। एक समझ लो, जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे यू विल ईजिली डू इट। करना क्या है, देखो मैंने इस बोर्ड में यहाँ पर मेथड 1 और मेथड 2, मैं दोनों मेथड से बताऊंगा कि अगर एक स्टूडेंट मेथड 1 से करता है और एक स्टूडेंट मेथड 2 से करता है तो दोनों बच्चे सही होंगे। देखते हैं जरा, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन। हम इसको क्या करते हैं, 3y को ना इधर राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से, 4x = 12, और 3y जब इधर आएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब सेकंड स्टेप देखेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 - 3y, और इस 4 को बेटा डाउन में लाएंगे, तो यहां पे इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसको पढ़ते हैं एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी कि मैं यहां पर वाई की वेरिएबल की वैल्यूज को पुट करता रहूंगा और एक्स की वैल्यू आती रहेगी। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बस कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है, यानी डेसिमल में ना आए और फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि हमने ना इनके ग्राफ बनाने होते हैं। तो ग्राफ अभी मैं यहाँ पर नहीं बनवा रहा हूँ, क्योंकि CBSE बोर्ड ने आपके NCERT सिलेबस से क्लास 9 में ग्राफ को यहाँ से काट दिया है, रेफरेंसेस बुक में है। आप कॉमेंट करके मेरे को बताओगे तो मैं ग्राफ भी आपको बनवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव क्या है वीडियो का, सॉल्यूशन फाइंड करने का। तो अब हम y की ऐसी क्या वैल्यूज पुट करें कि जिससे x की वैल्यू इजीली आती चली जाए और पॉइंट्स में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। तो क्या करना है, जो भी नंबर नीचे आएगा, यहाँ नंबर कितना आ रहा है 4, उसके मल्टीपल्स हमको यहाँ पर पुट करने हैं। अब 0 सबका मल्टीपल होता है, तो हम यहाँ पर जो y की वैल्यू पुट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, वो पुट करेंगे 0, 4, 8, 12 इस तरीके से, यानी कि हमने 4 का एक तरीके से टेबल चला दिया। अब देखो, मैं y को सबसे पहले 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, ठीक है, तो 3 × 0, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो 12/4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा पहला सॉल्यूशन आएगा 3, 0। जब भी आप सॉल्यूशन लिखोगे, पहले x को लिखोगे फिर y को लिखोगे, यानी मैंने y को पुट किया तो मेरे को 3 मिला, तो 3, 0 इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है। समझ में आया। दूसरा केस देखते हैं, y को ये तो हमने पुट कर दिया, अब y को 4 पुट करते हैं, तो यहाँ 4 पुट करो, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 4 = 12, और 12 में से जब 12 जाएगा 0, तो कितना आएगा बेटा 0/4, यानी 0/something कितना होता है 0, तो मैंने यहाँ y को पुट किया 4, मुझे x मिला 0, तो ये हो जाएगा 0/4। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला, अब y को हम पुट करते हैं 8, तो यहाँ 8 पुट करो, तो यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं 12 - 3 × 8/4, इससे x की वैल्यू मिलेगी, तो कितना हो जाएगा 12, 8 × 3 का कितना होता है 24/4। अब यहाँ देखो 12 - 24, तो माइनस के 12 आएगा और अपॉन 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -k 3। तो y को मैंने पुट किया 8, x मिला मेरे को -3, तो -3, 8। समझ में आया। देखो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर आते रहने चाहिए, शेयर प्लीज इसको जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ओके। अब y को पुट करते हैं 12, आप नेगेटिव वैल्यूज भी डाल सकते हो, ठीक है, -4, -8, -12, समझ गए, टेंशन ना लो, जब पॉजिटिव से सॉल्यूशन आ रहा है तो नेगेटिव पे क्यों जाए, ठीक है। इसको हटाते हैं जरा यहाँ से, देखो अब वैल्यू डालते हैं हम 12, तो यहाँ 12 डालते हैं वाई की जगह पर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 - वाई को कितना डाल रहे हैं 12, तो 3 = 12/4, तो 12 - 12, 3 = 36/4, 12 - 36 कितना हो जाएगा -k 24/4, डेट इज यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -k 6, तो -k 6। अब -6 और 12 इसका फोर्थ सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, देखो इस इक्वेशन की कितनी है बेटा 4x + 3y,
अब मैं ये वाला सॉल्यूशन फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ इनमें से कोई सा भी सॉल्यूशन को चेक करूं क्या ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि जब मैं इसमें यहाँ पर x की जगह पर 3 पुट करूंगा और y की जगह पर मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे को राइट हैंड साइड मिलनी चाहिए 12, यानी 4 3 सा 12 और 3 इंटू 0 0 दैट मीन्स राइट हैंड साइड आ गई 12। तो यहाँ कह दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और कह दूंगा 3 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी 12 आ रहा है। ऐसे ही आप रेस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए चेक कर सकते हैं। समझ में आया? अब कोई बच्चा कहता है कि सर मैं इस इक्वेशन को तो ऐसे करूंगा, मैं 3y को यहीं रखूंगा और 12 और 4x को मैं उधर ले जाता हूं, तो वो स्टूडेंट भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4x और 3 को डाउन में लेके आएंगे। बस अब आपने इसको क्या पढ़ना है, y इन टर्म्स ऑफ x, x की क्या वैल्यू पुट करेंगे जिससे डेसिमल में ना आए, तो मल्टीपल्स 3 के चलाएंगे, तो x के जो मल्टीपल्स होंगे वो होंगे 0 3 6 9, इस तरीके से आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो मैं x को पुट करूंगा 0, फिर 3 पुट करूंगा, फिर 6 पुट करूंगा और फिर 9 पुट करूंगा। अब देखो 0 अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 0 जब यहाँ पुट करूंगा तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा और 12 बचेगा, 12 अपॉन 3 कितना होगा 4, तो 0 4। समझ में आया? फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। 3 अगर मैं पुट करता हूँ तो 3 4 सा 12, 12 माइनस 12 अब 0 अपॉन 3 यानी 0 आ गया, तो 3 0। 6 पुट करो यहाँ पर तो 12 माइनस 4 इंटू 6 अपॉन 3, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 24 अपॉन 3, डेट इज माइनस के 12 अपॉन 3, ये आ जाएगा माइनस के 4। 6 पुट करने पर मिलता है माइनस 4, तो 6 माइनस 4। क्लियर? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं, जब हम 9 पुट करेंगे तो 12 माइनस 4 9 अपॉन 3, तो यहाँ से आ जाएगा 12, 4 9 जो होता है 36 अपॉन 3, यहाँ से माइनस करोगे तो माइनस के 24 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है, ये कितना आ गया माइनस के 8, तो 9 माइनस 8, तो ये हमारे डिफरेंट सॉल्यूशंस हो गए। तो आप ऐसे यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करते जाओगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे लीनियर इक्वेशन के। तो ठीक है, मैं इस पे आपको चेक कराता हूँ क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो आपने कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, कितना है बेटा 4x प्लस 3y, एक्स की जगह पुट करेंगे 9 और वाई की जगह पुट करेंगे माइनस के 8, बहुत ध्यान से देखेंगे 36 और माइनस के 8 3 जो होता है 24, तो यहाँ से बचेगा 12, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस वी कैन से दैट 9 माइनस 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ